चुनाव आयोग की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की शंका, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के पर विश्वास पर ही इस देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। जिस दिन इस देश की संवैधानिक संस्थाएं शंकास्पद तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं, तो लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाता है। और जिस दिन लोगों के मन में इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति प्रश्न चिन्ह या शंका या उनके कार्य करने की शैली में शक पैदा हो जाता है, तो उस दिन संविधान ही नहीं लोकतंत्र कमजोर होता है। और इसीलिए ये हमारे निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की भयंकर चूक उनसे क्यों हुई और 11 दिन बाद उनकी नींद क्यों खुली, इस चीज का स्पष्टीकरण पूरे देश के सामने देने की जिम्मेदारी माननीय इलेक्शन कमीशन पर है, जो उन्हें निश्चित रूप से देना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले 5 चरणों में इस प्रकार की कोई गलती या चूक ना हो।